हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा चीज़, छेना बॉल कड़ी। हाँ, जो आप लोग घर पे बहुत ही आसान तरीका से कैसे बनाए आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे हमने पहले फुल क्रीम मैंने 1 लीटर जैसा दूध ले लिया हूँ, साथ में थोड़ा सा बेसन, दही और इंडियन स्पाइसेस मतलब मसाला, जैसे कि आप चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, और साथ में आप देख रहे हैं शुगर, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट और जिंजर, हींग, करी पत्ता, ग्रीन चिली और ड्राई चिली और ब्लैक सरसों मतलब ब्लैक मस्टर्ड, और साथ में रखा हुआ है छेना का पानी, मतलब जो हम लोग रसगुल्ला या गुलाब जामुन बनाते हैं उसी खट्टा पानी से हम लोग पहले दूध को अच्छा तरीका से गर्म कर लेते हैं, फिर उसका बाद वो पानी डाल के हम फटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लेट नहीं करते हुए फटाफट हम देखते हैं कैसे दूध से हम छेना बनाएं, है ना फ्रेंड। तो आप लोग घर पे बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक सॉसपैन ले लिया और उसमें हमने दूध गर्म कर लिया, है ना फ्रेंड। वीडियो को फटाफट देख रहा हूँ, जैसे कि इसमें हमने ये देखिए पानी जो है, जैसे कि आपका छेना पानी हम डाल के आस्ते आस्ते इसको फटा लिया हूँ। उसका बाद जो है फ्रेंड, हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लिया, जो गर्म हो तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो छेना अच्छा होता है। अब इसको हम एक मार्किन कपड़ा पे स्टैंड कर लेते हैं, मतलब छान लेते हैं पानी को, अच्छा तरीका से पानी निकाल लेते हैं, है ना फ्रेंड। तो आप लोग भी घर पे इसी तरीका से रेसिपी को अंत तक फॉलो करें और देखें हम कैसे बनाते हैं एकदम बहुत ही ईजिली रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड, हमने छेना में सबसे पहले अजवाइन, अजवाइन का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है आपको बनाने के लिए छेना बॉल के लिए, और जिसमें साथ में चिली पाउडर, थोड़ा सा शुगर और जीरा पाउडर ये देखिए ऐड किया हूँ, और ये हो गया आपका थोड़ा सा धनिया पाउडर, है ना फ्रेंड। तो हमने वो भी ऐड कर लिया हूँ, और साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक स्वाद अनुसार ऐड किया हूँ, स्वाद अनुसार, है ना फ्रेंड। ये देखिए जिंजर हमने थोड़ा सा चॉपिंग किया हुआ, और ये हो गया करी पत्ता, उसको भी हम ऐड किया हूँ, जिससे सॉरी उससे पहले हमने हींग ऐड किया था, अभी मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया हूँ, और ये हुआ वाइट सॉल्ट स्वाद अनुसार मतलब वाइट नमक, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छा तरीका से मिक्सिंग कर लेंगे, मतलब बॉल बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने अच्छा तरीका से इसको मिला लिए हैं, अब हम इसको बॉल बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, छोटा छोटा सा, जैसे कि रसगुल्ला का रेसिपी मेरा यूट्यूब चैनल पे भी दिया हूँ, उसी तरीका से बॉल बना लेना है एक एक करके। और ये देखिए फ्रेंड, कितना सारा बॉल हमने बना लिया हूँ। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले एक फ्राई पैन में या कोई भी एक कढ़ाई में हॉट तेल में मतलब गर्म तेल में इसको फ्राइड कर लेना है। हाँ फ्रेंड, ये देखिए हमने थोड़ा सा मीडियम गर्म में दिया हूँ, क्योंकि इसको जो है फूलने के बाद ये ऊपर आ जाएगा, जब ये बॉल फ्राई होगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा रसगुल्ला का जैसा। हाँ फ्रेंड, तो ये देखिए हमने इस बॉल को बहुत ही कम स्टीम में बहुत ही अच्छा तरीका से फ्राइड कर लिया, और ये देखिए मेरा बॉल फ्राई होके रेडी है। अब चलिए करी बनाने के लिए, हम सबसे पहले एक बॉल में हमने एकदम देखिए एकदम हाफ कप से हाफ कप बहुत ही कम क्वांटिटी में मिनिमम 50 ग्राम से भी कम क्वांटिटी में मैंने बेसन और साथ में 1 कप दही ऐड किया हूँ, और एकदम हाफ टी स्पून का भी हाफ टी स्पून हमने जीरा पाउडर, और साथ में हम ऐड किया हूँ फ्रेंड ये देखिए धनिया पाउडर हमने थोड़ा सा ऐड किया हूँ, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर हमने इसमें ऐड कर लिया हूँ। ये देखिए आप लोग भी इसी क्वांटिटी में आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, और ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक ऐड किया हूँ और ब्लैक सॉल्ट ऐड किया हूँ, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट बहुत ही अच्छा पाचन शक्ति के लिए होता है। हाँ फ्रेंड, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिला होगा, लेकिन इतना एक एक करके अच्छा तरीका से कोई नहीं समझाया हुआ, जो मैं आपको अच्छा तरीका से रेसिपी बताता हूँ, कोई भी चीज़ छुपाने का कोशिश नहीं करता हूँ, जो आप लोग घर पे इजीली बना पाए, और आप हमको बनाने के बाद हमको कमेंट कर सके हाँ सिर्फ मैंने ट्राई किया था अच्छा हुआ। जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो पे मेरा एक गेस्ट ने जैसे कि बताया भी, आज हमने ट्राई किए थे मतलब उनको अच्छा लगा,
तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी तो फिर कमेंट तो ज़रूर किए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में थोड़ा सा 1 स्पून के जैसा मास्टर्ड ऑयल और उसमें मास्टर्ड ब्लैक मास्टर्ड ऐड किया हूँ, और ड्राई चिली, थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉपिंग किया हूँ, और जिंजर। ये एक्चुअली फ्रेंड नो ओनियन नो गार्लिक है, जो जैन लोग भी खा सकते हैं और आप लोग किसी पूजा पाठ के टाइम पे भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड किया हूँ, है ना फ्रेंड, और नमक ऐड किया हूँ। बहुत सारा बर्थ में क्या होता है, हम नमक नहीं खाते हैं तो वो लोग नहीं खाएं। और ये देखिए, हमने जो करी बनाने के लिए घोल जो बेसन में घोला था, क्यों घोलता हूँ, क्योंकि मैं जब करी बनाऊँगा तो मसाला इसमें डालने से नहीं पकेगा, इसीलिए साथ में हम बेसन के साथ दही के साथ मसाला को घोल लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। और क्योंकि दही अगर आप डालते हैं ऊपर से तो वो दही क्या होता है, फट जाता है। और ये देखिए फ्रेंड, मेरा जो करी है इसमें ना तो दही फटा है, नहीं तो बेसन साइड हुआ है। और ये देखिए करी देखने में आपको कितना खूबसूरत लग रहा है, तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में आप लोग सोचिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी होगा। तो मेरा ये करी बन के तैयार है, और इसमें ये देखिए हमने छेना, छेना बोलते हैं जिससे हम पनीर बनाते, जो उसी को हम पहले छेना बनाते उससे हम पनीर बनाते, उसी का हमने बॉल बनाया हो, है ना फ्रेंड। आप लोग करी पकौड़ा मत समझिएगा या मंचूरियन पकौड़ा भी मत समझिएगा जो हम इसमें ऐड किया हूँ, ये हम छेना बॉल ही ऐड किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अंत तक देखिए जो आप लोगों को घर पे बहुत ही आसान तरीका से बना सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए थैंक यू, कल फिर मिलेंगे इसी समय, आज के लिए बाय बाय।